क्या जेपी एसोसिएट अब फिर से कभी अपर सर्किट में आ पाएगा? क्या ये लोअर सर्किट अब हमेशा चलते रहेगा? ये लोअर सर्किट का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या हमें इसमें बाय करना चाहिए? इसका डिटेल एनालिसिस क्या होगा? क्या ये कभी ऊपर जा पाएगा? तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ इसका इस महीने का टारगेट भी मिलेगा। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है टेक्निकल बुल चैनल में। तो इस चैनल पे हम देते हैं आपको सारी डिटेल से हर स्टॉक के बारे में जो आप कमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी एसोसिएट के बारे में। अगर आपका जेपी एसोसिएट में कोई भी स्टेक है या फिर आपने थोड़ा सा भी बाय करके रखा है जेपी एसोसिएट, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जेपी एसोसिएट में लग गया है लोअर सर्किट, तो इसका डिटेल एनालिसिस होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का 2.55K सब्सक्राइबर का एम है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और ये बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो बिना आपका समय वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं टिकर वेबसाइट पर, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कि कैसे क्या जेपी एसोसिएट एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है या नहीं। तो आप इधर देख सकते हैं कि टुडे लो और हाई, इधर पे आप इजीली देख सकते हैं। तो ये सब तो आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में आने वाली कंपनी है। सो गाइज, ये कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए आप इधर पे देख सकते हैं इसके शेयर्स बहुत कम है, और इधर पे एक फिनोलॉजी स्टार भी होता है, जो एक बहुत ही अच्छा स्टार माना जाता है किसी भी कंपनी को पहले एनालिसिस करने से पहले। तो आप इधर पढ़ सकते हैं कि फिनोलॉजी ने कहा है हमारे पास कोई सफिशियंट डाटा नहीं है इस कंपनी के बारे में कि हम आपको बता पाएं कि ये कंपनी किस रेट पे है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग इधर कितना है, आप इधर देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कितना है, और आप देख सकते हैं इनके ऊपर डेप्ट कुल 6,000 करोड़ का है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है एक ऐसी कंपनी के लिए। ग्रोथ रेट भी बहुत कम है, और इसमें क्यों अपर सर्किट लगा वो किसी को भी नहीं पता। तो अगर आप में इसका स्टेक है, आपने इसमें बाय करके रखा है, तो आप देख सकते हैं कंपनी कुछ ज़्यादा डाटे हमारे पास है नहीं जो एनालिसिस करने के लायक हैं। ये सिर्फ एक बूम की वजह से ऊपर आया था। तो बहुत जन बोलेंगे इसमें हमारा स्टेक है, ये हमको पता है, कुछ नया बताओ। तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है, तो जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तब आप इधर से निकल सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है तब भी आप इधर से निकल सकते हैं। लॉस में हो, थोड़े कम लॉस में हो, जिन लोगों ने इसको यहाँ पे खरीदा था एकदम टॉप पे, वो मेरे ख्याल से अभी उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया नहीं है। और डिटेल में बात कर लेते हैं, शायद कुछ नया देखने मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में ये है टॉप 5 में नहीं है, ये टॉप 6 में आती है, और इसका बहुत थोड़ा नहीं बहुत नीचे हो जाता है कंपनी के लिए। और आप इधर देख सकते हैं इसका सेल्स ग्रोथ इस साल थोड़ा सा जाके बढ़ा है। इधर पे आप देख सकते हैं, इधर पे आके सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा एक छोटा सा कर्व लिया है, आप इधर देख सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ भी ऊपर गया था पिछले साल, लेकिन इस साल नीचे चले गया है। देख सकते हैं एक साल का है -300%, तीन साल का है 19%, और पांच साल का 213%। इक्विटी डेप देख सकते हैं 0.75 का है। आप देख सकते हैं इसका प्राइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अब चलते हैं इसके बैलेंस शीट। और आप इधर पे एक और बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट सामने आ रहा है कि इसमें जो कंपनी के होल्डर्स हैं उनका जो शेयर्स है वो प्लेज है। प्लेज मतलब आप एक प्रकार से लोन समझ सकते हैं, और इसमें पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कंपनी के लिए। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट के थोड़े इन्वेस्टमेंट है, और इंडियन इंस्टीट्यूट के भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के भी हैं, और इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, और ये भी एक बहुत बेकार साइन बन जाता है कंपनी के लिए। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, तो आपके लिए और अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉक है जो आपको सुननी ज़रूर चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या है इसकी स्ट्रेंथ, आपको कुछ दिख रहा है? कुछ स्ट्रेंथ नहीं है इस कंपनी के पास, जबकि बाकी एक एक स्ट्रेंथ तो होती है। और नेगेटिव पॉइंट भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पर क्या पता अगले साल इसकी ग्रोथ कैसी रहे, क्योंकि जेपी पावर ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, सब लोग जेपी पावर के पीछे जा रहे हैं, पर
अभी बहुत जन जेपी शेट में लगते हुए अपर सर्किट से परेशान है। तो मैं आपको कहने देना चाहता हूँ कि ये एक सिंपल सा ऑपरेटर्स गेम है और कुछ भी नहीं है। ये ऑपरेटर्स गेम है इसमें आए और ऑपरेटर्स पंप एंड डंप कर सके और आपका पूरा पैसा ले लें। तो यही ऑपरेटर्स गेम है और हम और डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में वो कहा था। एज यू कैन सी देयर कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट कंपनी नहीं बना रही है। आप इस लाइन में देख सकते हैं एवरी ईयर प्रॉफिट देयर आर नेगेटिव और इसके साथ बस एक ईयर को छोड़ के इस ईयर को छोड़ के सारे प्रॉफिट नेगेटिव में है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि सारे प्रॉफिट नेगेटिव हैं। और हम चलते हैं ऑडिटर में बात करने के लिए। कंपनी के ऊपर डेप्थ है पर वो धीरे धीरे इसको कम कर रही है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल सकता है कंपनी के यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ का डेप्थ, फिर 19, फिर 15, फिर 5 और 4, अभी 5 ही समझ लीजिए, 300 करोड़ का डेप्थ कम किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकती है। और इस कंपनी में ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। इन माय ओपिनियन आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी के पास अभी कुछ भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। और अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया है तो अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ तो आप इसमें जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं क्योंकि ये कंपनी कुछ नहीं ऑपरेटर्स गेम है। अभी आपको डंप कर दिया जाएगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बाहर निकलने का मौका ना मिले। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी तो मेरे ओपिनियन में आपको अगर आपको 7,000 शेयर खरीदने हैं तो आप इसमें 1,000 तीन बार खरीद सकते हैं क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपको खरीदने नहीं मिलेगा, जिसमें सब लोअर सिक्योरिटी मारते जाएगा और फिर आप नहीं खरीदोगे तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। यही हमारी इच्छा है। हम ऐसा किसी को नहीं बोलते कि वो एकदम बेकार है पर हम अपनी ओपिनियन देते हैं। और अगर आपको ये कंपनी ऊपर जाएगी आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, आपके कमेंट का वेट करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल का 2.55K सब्सक्राइबर का एम है। तो एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर लगी हो तो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ। तो